ये एक बेहद अहम और बड़ी खबर है इस वक्त की, जम्मू कश्मीर के बारामूला से जहां पर आ रही है, जहां अजान देते वक्त मस्जिद में ही एक पूर्व पुलिस अधिकारी को गोली मार दी गई है। आतंकी वारदात बारामूला में एक बार फिर सामने आई है, लेकिन इस बार हालात कुछ और थे। दरअसल यहां पर तकरीबन 71 साल के एक रिटायर्ड पुलिस अधिकारी की मस्जिद के भीतर ही गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि जब वो अजान दे रहे थे उस वक्त आतंकियों ने बारामूला में इन्हें निशाना बनाया। हालांकि पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली गई है और इस पूरे इलाके में आतंकियों की तलाश भी तेज कर दी गई है। रिफत हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रिफत, ये सबसे खास बात भी है कि जिस तरह से बारामूला में इस आतंकी वारदात को अंजाम दिया गया है वो कुछ और इशारा करती है। डिफेंस एक्सपर्ट जिस ओर इशारा कर रहे हैं वो खास बात है कि दरअसल अब घुसपैठ उस तरह से नहीं हो पा रही। कुछ तस्वीरें भी हम न्यूज 18 इंडिया पर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, घुसपैठ नाकाम हो रही है और इसलिए ग्राउंड वर्कर्स पर, ओवरग्राउंड वर्कर्स पर, स्लीपर सेल पर अब ये डिपेंड कर रहे हैं। और क्या इसी तरह से इसी मोडस ऑपरेंडी के साथ में बारामूला में इस हरकत को अंजाम दिया गया? देखिए, जिस तरीके से प्रशांत ये हमला हुआ है, जैसा मैंने कहा कि पहले ऐसे हमले नहीं होते थे, खासतौर से जो रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर्स थे उनको निशाना नहीं बनाया जाता था, लेकिन अब एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर को जो निशाना बनाया गया है तो उससे एक चुनौती सुरक्षा बलों के लिए जरूर बढ़ गई कि जो यहाँ पे पुलिस ऑफिसर्स हैं रिटायर्ड, उनकी सिक्योरिटी शायद बढ़ानी होगी। लेकिन कहीं ना कहीं, जैसा मैंने पहले भी कहा कि ये जो एरिया है ये लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ सटा हुआ एरिया है, अब देखना होगा कि क्या ये मिलिटेंट जो थे लोकल थे या पाकिस्तान से आए हुए थे, इन्फिल्ट्रेट करके आए थे और उनको इन्फॉर्मेशन मिली। और मैं दिखाने की कोशिश करूंगा, ये आप देख सकते हैं, ये पुलिस के जो आला अधिकारी हैं ये अब सपोर्ट पे जा रहे हैं ऑफिसर्स, और यहाँ पे अब इस चीज का विश्लेषण किया जाएगा, इस चीज की जो है अब इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। लेकिन पुलिस के जितने भी ऑफिसर्स हैं अब वो वहां पे जा रहे हैं, गांठमोला जा रहे हैं, जो हम ऑन वे हैं रोड पे। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि अभी जितने भी पुलिस के ऑफिसर्स हैं वो अब सपोर्ट पे पहुंच रहे हैं, यानी अब इस मामले की तहकीकात की जाएगी। लेकिन जिस तरीके से यह हमला हुआ है, जैसे मैंने कहा कि कहीं ना कहीं मिलिटेंट सॉफ्ट टारगेट को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं ताकि कहीं पे उनको सॉफ्ट टारगेट मिले और वो खबरों में रहें। मैं आपको बताऊं कि पूरा जो गांठमोला का एरिया है वो इर्द गिर्द जो है बंधा हुआ है, सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर ये हमला होता है तो उसका मतलब है कि कहीं ना कहीं जो है सिक्योरिटी का एक कंसर्न उनके लिए है जो पुलिस के ऑफिसर्स हैं। और ये तस्वीर भी हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, कुछ देर पहले की भी तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, किस तरह से बारामूला में अब सुरक्षा बल और ज्यादा एक्टिव हो गए हैं, घेराबंदी की जा रही है, सीनियर ऑफिसर्स की भी मौजूदगी, क्योंकि जिन आतंकियों ने बताया जा रहा है तकरीबन 6:30 बजे इस तरह की वारदात को, कायराना हरकत को अंजाम दिया है, मस्जिद में रिटायर्ड पुलिस अधिकारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। खास बात यह, जो उनके भाई उनके साथ मस्जिद में मौजूद थे वो खुद बतौर चश्मदीद ये बात कह रहे हैं कि जब वो अजान दे रहे थे उस वक्त आतंकियों ने इन्हें निशाना बनाया है। रिफत, ये एक बड़ा सवाल भी है, जो शख्स अभी इस वक्त फोर्स का हिस्सा नहीं है उन्हें गोली मारी जा रही है, ये क्या मैसेज देने की कोशिश है? इसकी वजह आखिर क्या हो सकती है? देखिए, पुलिस के लोग जो हैं वो एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशंस करते हैं, तो क्या उनको एक मैसेज दी जा रही है कि आप अगर एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन करेंगे तो आपको मार दिया जाएगा और जब आप रिटायर हो जाएंगे तब भी आपको मार दिया जाएगा? क्या ये एक ऐसी मैसेज है, या कहीं ना कहीं जो है जो पुलिस में ऑफिसर्स रहे हैं उनको डराने धमकाने की कोशिश है, या एक सॉफ्ट टारगेट मिला सुरक्षा बलों को तो उस पे उन्होंने निशाना साधा? तो अभी डिटेल्स जैसा मैंने कहा सामने आएंगी, और यहाँ पे काफ़ी सारे जो पुलिस के ऑफिसर्स रहे हैं उन्होंने भी एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशंस में रोल निभाया है, तो क्या ये एक ऐसा मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं अगर आप एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशंस करेंगे तो आपको रिटायरमेंट के बाद भी मार दिया जाएगा? और खासतौर से ये जो मस्जिद में इसकी हत्या कर दी गई है तो ये एक बड़ा कंसर्न है, क्योंकि मस्जिद अल्लाह का घर है और अगर वहां पे इस तरीके की हत्या होती है तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है एक ऐसा वाका है कि जो ये कहा जा सकता है एक शर्मनाक इंसिडेंट है। बेहद शर्मनाक चौंकाने वाली खबर, पूर्व रिटायर्ड पुलिस अधिकारी की मस्जिद में गोली मारकर बारामूला में हत्या कर दी।